हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। अब तक आपने जो कुछ किया, अब थोड़ा और एप्लीकेटिव पार्ट करते हैं। हम ग्रुप्स कर चुके हैं, सब ग्रुप्स कर चुके हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, साइक्लिक ग्रुप्स, अबेलियन ग्रुप्स, ये सारे टॉपिक्स अच्छे से टच हुए हैं। और इनसे इनमें कुछ बहुत अच्छी थियरम्स भी प्रूफ्स के साथ की गई हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, ज़रा वो रिकॉल कर देते हैं। लास्ट क्लास जी, साइक्लिक ग्रुप कहते हैं ना, लाइफ में नया सवेरा, जीवन में नया सवेरा। लास्ट क्लास में आपने नोटिस किया कि साइक्लिक ग्रुप दो तरह के हो सकते हैं, या तो फाइनाइट साइक्लिक होगा या इनफाइनाइट साइक्लिक होगा। ओके, तो इसको दो पार्ट्स में विभाजित किया जाता है। वो दो पार्ट्स हैं, या तो आपका साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट होगा, या फिर आपका फाइनाइट साइक्लिक होगा। भाई ज़रा ध्यान से देखना, ये जो मैं कराने जा रहा हूँ ये चीज़ आ सकती है आपके एग्जाम में। यस स्टूडेंट्स, अगर वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो लास्ट क्लास याद करिए कितने जनरेटर्स कैरी करेगा। दो याद है ना, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज एग्जैक्टली टू जनरेटर्स, याद है या नहीं है? यस सर। नंबर ऑफ जनरेटर्स एग्जैक्टली टू, सर कौन से दो? ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर इसका इस ग्रुप का जनरेटर मान लीजिए ए है तो दूसरा ए इनवर्स होगा। मान लीजिए एक्स जनरेटर है तो दूसरा एक्स इनवर्स होगा, मतलब एलिमेंट और उसका इनवर्स, जो भी जनरेटर है वो और उसका इनवर्स, वो दोनों जनरेट कर जाएंगे। बट फाइनाइट साइक्लिक में यहाँ तो काउंटिंग में परेशानी नहीं है। यहाँ मैंने आपको जाते जाते 10 का एग्जाम्पल दिया था, अभी मैं दो चार चीज़ें बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिए, ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये ऐसी चीज़ है जैसे आपने सुना होगा, सब कुछ करके भी कुछ नहीं किया, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट होने वाला है अभी, कि आपने कल की क्लास कर ली है बट क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि ऐसा लगेगा कुछ किया ही नहीं है। कल जो हमने थ्योरम किया था दैट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई एग्री। अब थोड़ा उससे आगे चलते हैं, जो साथ है ये एवरीवन। हाँ जी, ऑब्जर्वेशन, लास्ट क्लास मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सर चार बार तो बता दिया, अरे एक बार और सुन लो भाई। अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इफ जी इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप देन जी हैज एग्जैक्टली टू जनरेटर्स, दैट्स इट। वो काउंटिंग खत्म हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, विद प्रूफ हम करा चुके हैं। बट इफ जी इज एन जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर, तो बार बार आपका नंबर ऑफ जनरेटर्स चेंज होता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, लास्ट क्लास का थ्योरम याद करेंगे बेटा, आपको ये बताया था जी इज इक्वल ब्रैकेट है ये फाइनाइट साइक्लिक है ऑर्डर एन का, अगर आप पढ़ के आए। नहीं पढ़ के आए तो भैया आई एम सॉरी, कोई आपका स्थान नहीं है हमारी क्लास में, कोई जगह ही नहीं है, चले जाओ क्लास से। ए एम इज अ जनरेटर, क्वेश्चन मार्क। यस स्टूडेंट्स, जी ब्रैकेट ए है, दैट मीन्स जी के पास ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए पावर फोर, ए पावर फाइव, सारी पावर्स होंगी, नेगेटिव पावर्स भी होंगी उन्हीं पावर्स में से। हाँ ये नोटिस करिए ना, कौन करेगा नोटिस, ये आपका जी इज इक्वल ब्रैकेट है पक्का, ये ए जो है जनरेटर है जी का। अब उन्होंने बोला भाई ए के बाद ए स्क्वायर आएगा, देन ए क्यूब आएगा, देन ए पावर फोर आएगा, फिर नेगेटिव पावर भी आएगा। बट नेगेटिव वाले में एचसीएफ नहीं लेते, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, पॉजिटिव कोई कंसर्न कीजिए। हाँ जी, आई एम क्वेश्चनिंग ऑल ऑफ यू। वेल भाई, अगर इसका जनरेटर ए है तो क्या ए क्यूब इसका जनरेटर होगा, ए फोर जनरेटर होगा, ए पावर 100 जनरेटर होगा, क्या होगा? तो उसका आंसर यह है, ए पावर एम इज अ जनरेटर ऑफ जी, फिर ओनली। किसी को याद है कुछ? हाँ जीसीडी ऑफ एम एन कॉलो। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। जीसीडी ऑफ एम कॉमा एन, दिस शुड बी वन। जब जब इन दोनों का एचसीएफ वन आएगा तब तब आपका जनरेटर प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे मैंने कल 10 का एग्जांपल दिया था, मैं आपको दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ, फटाफट से आ जाइए जरा साथ में। एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर टू, ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल नंबर वन, जी इज इक्वल ब्रैकेट है साइक्लिक ऑर्डर 12 है, मान लीजिए। हाँ जी, ये 12 के साथ क्या क्या कोप्राइम होता है, मैंने कल चार्ट भी बना के बताया था आपको, पूरा बना दीजिए, क्या आफत आ रही है? अब नहीं समय लगाएंगे तो कब लगाएंगे? वैसे ही बिना चार्ट बनाए अगर कर सकते तो बहुत बढ़िया। हाँ जी, कब कब कोप्राइम है, कहाँ कहाँ कोप्राइम है, जरा निकालो बाहर, आइए निकालते हैं।
यस वन फाइव सेवन इलेवन और किसी में को प्राइम नहीं होगा। बढ़िया। हाँ जी, दिस इम्प्लाइज ए पावर वन इज अ जनरेटर। यस ए पावर फाइव इज ऑल्सो जनरेटर। भैया बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई। ए पावर सेवन इज अ जनरेटर। ए पावर इलेवन इज ऑल्सो एंड दिस इम्प्लाइज ए पावर इलेवन इज अ जनरेटर। तो अगर आपके पास साइक्लिक ग्रुप है 12 ऑर्डर का, तो उसके कितने जनरेटर? चार जनरेटर्स आ रहे हैं, ए ए फाइव ए सेवन ए इलेवन। आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स? यस सर, यस। आगे देखो, सॉरी ध्यान से देखिए। इस बार मैं बी ले रहा हूँ, इसका ऑर्डर 9 है, इधर 7 है, ये 1.9। बात तो आप समझ ही गए, 2.9, 1.9, 2.9। थोड़ा आगे बढ़ के काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सारी लाइफ के लिए। बुरा भला जितना बोलना है बोलते रहिएगा बाद में। जी कब कब को प्राइम है? वन के बाद गाड़ी रुक गई। 1, 2, 4, 5, 7 एंड 8। यहाँ तो बहुत सारे जनरेटर्स हैं, 6 आएंगे। दिस इम्प्लाइज ए पावर वन इज अ जनरेटर। यस ए पावर टू इज अ जनरेटर। ए पावर फोर इज अ जनरेटर। तो यहाँ उधर देखेंगे और इधर देखेंगे। यस अगर फाइनाइट साइक्लिक 12 ऑर्डर का है तो चार जनरेटर दे रहा है। अगर फाइनाइट साइक्लिक 9 ऑर्डर का है, ए एक ही जगह बी कर दीजिएगा। मैंने बी लिया था, बट अगर मतलब यहाँ ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे तो यहीं चेंज कर देते हैं। अब बात तो समझ ही गए, कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं लेट मी रिपीट। 12 ऑर्डर का फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कंटेन्स एग्जैक्टली 4 जनरेटर्स। 9 ऑर्डर का फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कंटेन्स हाउ मेनी एग्जैक्टली हाउ मेनी जनरेटर्स? 6। अब जरा ये दोनों एग्जांपल्स देख के बताइए। देखिए जब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेटर्स की गिनती सिर्फ 2 है, मानते हैं? हाँ जी सर, यस सर। बट फाइनाइट साइक्लिक में तो चेंज हो रही है। तो अगर पर्टिकुलर ऑर्डर का आपको बोल दिया फिर आप इस तरीके से ही निकालेंगे। जैसे मैंने 12 के लिए बताया है, 9 के लिए बताया है, क्लास क्लास में आपको 10 के लिए बताया था। कोई पर्टिकुलर ऑर्डर दिया तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो, आराम से निकल जाएगा। लेकिन इन जनरल बोलेंगे भाई कोई फार्मूला बता दो, तो वो फार्मूला करते हैं कि कैसे है या क्या है काउंटिंग। तो आइए ज़रा फार्मूला करते हैं। यस ध्यान दीजिए इधर एवरीवन। हाँ जी जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। यूलर फाई फंक्शन। ओके हाँ, इसको यूलर पढ़ सकते हैं बट कायदे से ये ऑयलर फाई फंक्शन लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड ऑयलर फाई फंक्शन। यूलर भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी लोग पढ़ रहे होंगे, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। बट आई विल प्रोनाउंस इट एज ऑयलर फाई फंक्शन। वॉट इज ऑयलर फाई फंक्शन? यस मैंने आपको शुरू में फंक्शन की क्लासेस दी है। आई होप यू आर क्लियर विद वेल डिफाइंड 1, 1, 1, 2 और सारी चीज़ें जो समझाई गई। यस सर। हाँ जी देखिए जरा ये कैसे डिफाइन किया जाता है। Define pi from natural numbers to natural numbers and it is given by pi of n is equal to number of positive integers which are less than equal to n and co prime to n। हाँ जी, यहाँ दो चीज़ों पे ध्यान देना है। किसी का भी फाई निकालते वक्त क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देंगे? एक तो जो इंटीजर ले रहे हैं वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू
और उसके साथ साथ कोपरेंगे, दो कंडीशंस पे ध्यान देना। आइए आराम से हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। ये नोटेशन यूनिवर्सल है, कभी नहीं बदली, कभी नहीं बदली है नोटेशन। जरा फटाफट से साथ आ जाओ। एग्जांपल के लिए ऑल ऑफ यू, व्हाट इज फाइव ऑफ वन, फाइव ऑफ टू, ये ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं, होने दो। कौन सी आफत आ गई फिर? ये कभी पढ़ा थोड़ी ना आपने, अब पढ़ लेते हैं। हाँ जी, मान लीजिए मेरे को फाइव ऑफ, यस स्टूडेंट्स, हेलो, आर यू देयर? अरे कहाँ गायब हो गए भैया? हो जाएगी। तो क्या वेट करें, क्या करें? आपको कंटिन्यू हो गया, हो गया, खत्म हो गया, देखो ना, एंड हो गया मैम। श्योर? यस स्टूडेंट्स, लेट मी कंटिन्यू। डिफाइन मैम, मेरे को सामने स्टूडेंट्स चाहिए, बिना उसके नहीं चलेगा काम। ये फिर ये यही यही एंड हो गए, अगला वीडियो रिकॉर्ड होगा दोबारा।
ना बढ़िया टॉपिक चल रहा है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा आई थिंक डिस्टरबेंस हो गया था। आर यू देयर? यस, आर यू देयर? मैं ना ग्रुप में बात करो पहले, ऐसे नहीं होगा ना, इसको बंद करो पहले, 1 2 3 करके फिर स्टार्ट करना। Recording in progress. तो बच्चों को बोल दो ना। हाँ जी, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी देर में फिर से शुरू करते हैं, रुक जाओ अभी, ये ऑयलर फाइव फंक्शन। ओके सर, नो प्रॉब्लम। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी, यस एक मिनट, यस सर, एक मिनट रुको। करें, शुरू करें, जब तक चलता है चलने दो। हाँ जी सर, यस सर। ये स्टूडेंट्स देखिए, हम ऑयलर फाई फंक्शन कर रहे थे। आइए, ऑयलर फाई फंक्शन में फाई एन का वैल्यू, फाई वन, फाई टू, फाई थ्री, फाई फोर, फाई फाइव, जिनका भी है इनका वैल्यू क्या लेना है, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो लेस देन इक्वल टू एन एंड को प्राइम टू एन। आई नो वेरी वेल, ये दोनों चीज़ें देख के आपको जेड एन और म्यू एन में से म्यू एन की याद आ रही होगी। म्यू एन में भी ऐसे ही होता है, बट म्यू एन में आपको एग्जैक्टली वहाँ लिखना पड़ता था क्या क्या है, यहाँ बस टोटल लिखना है, टोटल लिखना है कितने हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ यू, व्हाट इज़ फाई एन? फाई एन तो आपके सामने, व्हाट इज़ फाई सिक्स? यस, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन इक्वल टू सिक्स एंड को प्राइम टू सिक्स। तो सिक्स के साथ लेस होना चाहिए और को प्राइम टू सिक्स होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। इसमें से सब लेस देन इक्वल टू 6 है, 6 के साथ, 6 के साथ को प्राइम कौन कौन से है, 1 है, 1 5, दैट्स इट। तो 5 6 2 आएगा, सिर्फ दो नंबर्स ऐसे हैं जो 6 के साथ को प्राइम है। भैया बात समझ में आ गई? हेलो, यस सर, यस सर। अच्छा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप निकाल रहे 5 ऑफ 8, तो 5 ऑफ 8 में पहले 8 तक लिख दो सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के साथ कौन कौन से नंबर्स को प्राइम होते हैं, 1 है, 1 3 5 7, ये चार आएगा। मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, 5 1 is 1, 5 2 2 के साथ को प्राइम एक ही नंबर होता है, 3 के साथ को प्राइम पहले के सारे, 4 के साथ भी दो ही हैं, 5 के साथ पहले वाले सारे, क्योंकि 5 5 5 एक प्राइम नंबर है, पीछे वाले सारे लपेटे में ले लेगा। नाइन के साथ आते हैं, व्हाट इज 5 9? जी, 1 को प्राइम है 9 के साथ, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, बहुत बढ़िया, 5 9 is 6 लिख दिया, एंड बाकी रेस्ट आप आराम से देख सकते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा इधर आ जाइए ऑल ऑफ यू, काइंडली नोटिस, भैया ये एग्ज़ाम में आएगा, सही सुना आपने, ये चीज़ एग्ज़ाम में आ सकती है, आ कह सकती है, आएगी आएगी। फाइनाइट साइक्लिक के लिए नंबर ऑफ जनरेटर्स मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके लिए इन दोनों का सहारा लेते हैं, स्टेटमेंट यही था ना कि जी ब्रैकेट ए है, इसका ऑर्डर एन है, तो कौन कौन से ए एम जनरेटर होंगे। हाँ जी, कौन कौन से ए एम जनरेटर होंगे, अरे बोलो भैया, वो सारे ए एम जनरेटर्स होंगे जो किसके साथ को प्राइम है, किसके साथ को प्राइम है, एन के साथ, एन के साथ, तो खत्म हो गया। तो बस ऐसे नंबर लो ना जो लेस देन इक्वल टू एन और को प्राइम टू एन है, यानी नंबर ऑफ जनरेटर्स हो गया आपका 5n। सर कैसे, यही देख लीजिए, यस, 12 ऑर्डर में 4 जनरेटर आ रहे हैं, क्या 5 12 4 होता है, डेफिनेटली इट इज। ऐसे इधर आ जाओ,
इसमें इसमें सिक्स जनरेटर्स आ रहे हैं, क्या 596 होता है? अरे बोलो भैया। हाँ जी सर। यस सर। बस यही नोटिस करना है। तो इनफाइनाइट साइक्लिक में तो काउंटिंग का कोई इशू ही नहीं है, फाइनाइट साइक्लिक बहुत खतरनाक चीज है। यस हाँ जी, यहाँ लिख रहे हैं number of generators is equal to phi n, where phi is the Euler phi function. Let me write. Copy कर लिया आप लोगों ने? कब करेंगे copy? Hello, are you listening? हाँ जी सर। ये भाई this is very important, मैंने आपको कल भी बोला था, आज भी कह रहा हूँ, ये बहुत important चीज़ है, counting of generators. Generators का counting बहुत important चीज़ है. Done? Yes, sir. Okay. ये दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। हाँ जी, अब थोड़ा बात करते हैं इन पे और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। मैंने आपको दो तरह के मॉड्यूल्स बताए थे, एक एडिटिव और एक मल्टीप्लिकेटिव। और वो जिस दिन एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव पढ़ाया था उसी दिन आपको जेड एन और म्यू एन नाम के दो ग्रुप्स भी बताए गए थे, याद है? यस सर। यस सर। यस, जरा याद करके बताइए, आउट ऑफ जेड एन एंड म्यू एन व्हिच वन इज ऑलवेज साइक्लिक? म्यू एन इज ऑलवेज साइक्लिक और जेड एन इज ऑलवेज साइक्लिक, प्लीज आंसर। कुछ याद नहीं है बेचारों को, पहला टेस्ट ग्रुप्स का ही होना है, फिर भी बुरा हाल है तुम लोगों का। आउट ऑफ जेड एन एंड म्यू एन व्हिच वन इज ऑलवेज साइक्लिक? सब रिकॉर्डिंग में जाओ, जेड एन इज ऑलवेज साइक्लिक। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो अभी जो आपने कल कैरेक्टराइजेशन किए हैं और आज जो देख लिया आपने, ये सब वी कैन अप्लाई टू साइक्लिक ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, यस ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, जी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ दिस 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 दिस। आइए जरा, Z10 के लिए क्या होगा भाई? दिस इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, तो कितने जनरेटर्स होंगे? 510। अरे हां, तो 510, 515, 520, 530। आप प्रैक्टिकली आप दिमाग में भी काउंट कर सकते हैं कि क्या क्या आंसर्स आएंगे। जस्ट वेट, अब थोड़ा सा जब ऑयलर फाई फंक्शन बताए तो उसके साथ एक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है, ये ध्यान दो भाई। Phi of AB in general is not equal to phi of AB. Phi of A, phi of B नहीं होता। ऐसा कब होगा? जब ये दोनों आपस में कोप्राइम होंगे। तो let me write that. Product हाँ जी, और सुनिए, व्हाट इज फाइव ऑफ प्राइम नंबर, कोई बताएगा? ये यही देखना क्या है, सोचिए ना। अरे भैया, सोच समझ के जवाब दिया करो ऑल ऑफ यू। हाँ जी, फाइव एक प्राइम नंबर है, तो इसके साथ कौन कौन से को प्राइम होंगे? पहले वाले सारे प्राइम नंबर के साथ तो सब कुछ को प्राइम होता है। तो ऐसा यस, इसका 5 5 निकालना है मेरे को भैया, प्रैक्टिकली बताइए। 1 2 3 4 5, इनमें से कौन कौन से नंबर 5 के साथ को प्राइम है? 1 2 3। फिर और सुनो, मान लीजिए मुझे 5 7 निकालना है, 7 1 2 3 4 5 6 7, कौन कौन से कोप्राइम है? 7 हो जाएंगे सर। हाँ जी, तो आप नोटिस करो, 5 ऑफ प्राइम इज P-1। ओके यस, बस इन्हीं दोनों से आपका सारा काम हो जाना है। अब छोटों के लिए तो यही दोनों चीजें ठीक है। आइए जरा,
इन पे बात करते हैं, व्हाट इज पाई ऑफ 10? वो तो आप प्रैक्टिकली वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, जी पाई ऑफ 3 इनटू 5 को प्राइम में फैक्टराइज कर लीजिए, पाई ऑफ 4 इनटू 5 हाँ ये 15 इनटू 2 हो गया या 2 इनटू 15 हो गया, जैसे भी करो आराम से हो जाएगा। हाँ जी दिस इज 5255 प्राइम में हो गया ना, दिस इज 5355, दिस इज 5455, दिस इज 5255 आई। सर डेट 10 का तो 4 हो जाएगा, दिस इज नॉट प्राइम वाला बट अदरवाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 इंटू 4 दैट इज 8, हाँ जी दिस इज 1 2 4 दिस इज ऑल्सो 8, हाँ जी ये नंबर ऑफ जनरेटर समझ में आ गए, साइक्लिक और इन्फिनिट साइक्लिक, फाइनाइट साइक्लिक में और इन्फिनिट साइक्लिक में कैसे निकालते हैं? यस सर। ओके नेक्स्ट, रेडी फॉर नेक्स्ट? यस सर। यस सर। देखो भाई करिए, ऑल ऑफ यू एक मिनट का समय है, जो कर सकते हो करो, मतलब एक मिनट का समय है जो कर सकते हो करो का मतलब आप एक मिनट में कॉपी कर रहे हैं, इतने में सारा टाइम निकल गया, आपको ट्राई करने के लिए बोला गया है। हेलो, कहाँ तक बड़ी गाड़ी? आर यू देयर? हाँ, डिप्रेशन के शिकार हो गए? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस तनुष, तनुष आर यू देयर? यस सर। अभी आए हो तुम? यस सर, जस्ट कॉलेज से निकला। अभी क्या करने आए हो, डांट सुनने? नो सर। कल की क्लास की थी सर, रिकॉर्डिंग देखने को थी। मतलब आप क्या, मतलब क्लास का मजाक 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 उड़ा रहे हो क्या मेरी टीचिंग का? मजाक ही उड़ाना हुआ? नो सर, एक्चुअली मेरी होम टाउन गया था, वो अर्जेंट से कुछ काम आ गया था। देखिए ये इतना तो हर बच्चे को समझ लेना चाहिए कि क्लास में आ रहे हैं तो पहले का तो कम से कम करके आए, आपका खुद ही नुकसान होगा, हम पढ़ाएंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है क्लास के बाद आप थोड़ा दिमाग में नेगेटिविटी क्रिएट करके हमें उल्टा सीधा बोलने लग जाए, समझ रहे ना, गलत तो नहीं कह रहा, बोलते हो ना? नो सर। हाँ देखो, हाँ बोलने वाला थे, बोलने वाला थे। देखिए देखिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखिए बस बात इतनी सी है, बात इतनी सी है कि हर बच्चे को ये चाहिए कि जो क्लास हो रही है उसके पहले का कम से कम एटलीस्ट कवर, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं, मतलब हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक ग्रुप पढ़ रहे हैं, जनरेटर्स पढ़ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ रहे हैं, अब बिना करे क्लास में जाएंगे कैसे समझ में आएगा?
दीज आर क्लासिक टॉपिक्स जिस पे आपका पूरा एंटायर ग्रेजुएशन डिपेंड करेगा। अब शुरू शुरू में ही बैंड बजा दोगे तो कैसे चलेगा? मकान की नींव भी ठीक नहीं होगी तो मकान कैसे ऊंचे जाएंगे? ये पहला ईयर है, पहला सेमेस्टर है, अभी तो बहुत दूर जाना है। मैं जैसे लास्ट लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि मेरे से पीछे नहीं छूटेगा आप लोगों का, डोंट वरी। आइए इस जेड प्लस साइक्लिक इफ यस फाइंड ऑल द जनरेटर्स। इसके पहले जरा साथ आए आप सभी महानुभाव और नोट करें व्हाट इज ब्रैकेट है भाई। ब्रैकेट ए का मतलब तो ये होता है ए पावर एन वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। अच्छा जी, अब नया सवेरा होगा आपके जीवन में अगर आप चाहें तो, नहीं तो आंखें बंद करके बैठ जाएं, हु केयर्स। तो मान लीजिए ये जी है, ये जी है, लेकिन पहले वाला जी मल्टीप्लिकेशन में, दूसरे वाला जी प्लस में। ए लिया, मैं ये बताता रहा हूँ आप लोग, अगर यहाँ आपने ए बी लिया और यहाँ आपने ए बी लिया तो ज़रा क्लोजर बताइए क्या आएगा, ए डॉट बी। यहाँ का क्लोजर बताइए क्या आएगा, ए प्लस बी। चलिए बहुत बढ़िया, अब एक काम करो सिर्फ एक ही एलिमेंट लो और उसी के साथ रेस्पेक्टिवली क्लोजर लगाइए। ए के साथ ए मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर देगा, फिर दोनों को करेंगे तो ए क्यूब, फिर ये बताया था ना आप लोगों को, बताया था, जरा यहाँ ऐड करो ना, नहीं हो रहा ऐड। हाँ जो चीज़ ये स्टूडेंट्स, जो चीज़ यहाँ ए पावर एन का काम कर रही है वो चीज़ यहाँ एन ए बन जाएगी, यस और नो? तो ये हमेशा यही नहीं होता है, देख लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। ये पढ़ाना पड़ता है भाई, पसीना निकालना पड़ता है, आपको बताया भी था, मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर ऊपर से बोलने से और सिलेबस ख़त्म कराने से कुछ नहीं मिलेगा, याद आपको यही रहेगा खाली, कुछ और याद रहेगा भी नहीं तुम्हें। ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी वन है, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ का आइडेंटिटी जीरो ले लेते हैं, देन ए, देन माइनस ए, देन टू ए, देन माइनस टू ए, देन थ्री ए, देन माइनस थ्री, इज दैट ओके? हेलो, यस सर। तो ये एडिशन में देख लीजिए, ये मल्टीप्लीकेशन में देख लीजिए, आपके सामने दोनों चीज़ें आपके सामने। नेक्स्ट ऑल ऑफ यू, जरा देख लो उसको अच्छे से कि क्या फाइंड करना। साइक्लिक सबग्रुप जनरेट बाय हाफ, साइक्लिक सबग्रुप जनरेट बाय हाफ, लेकिन उधर ऑपरेशन अलग है इधर अलग है, पहले इसी से बात करते हैं। आइए महान महान आत्माओं आ जाओ जरा साथ में डांट सुन। हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन व्हाट इज ब्रैकेट ऑफ हाफ, पावर्स ऑफ हाफ, हाफ पावर जीरो, हाफ पावर वन, हाफ पावर वन, हाफ पावर टू, minus 2, and so on. So this will be 1/2, 2, 1/4, 1/8. Make clear है आप सबको? 8. Is it clear? Yes. हाँ जी sir. हाँ जी, here bracket half. Please be careful. आ जाएगा समझ में, समझना चाहोगे तो सारे multiples लिखने हैं इसके. 0/2 that is 0 obviously. अगला 1/2. या हाफ वन टाइम्स। अभी ये देखिए, अगर आपने ये लिखा है 3a, तो 3a मतलब 3 मल्टीप्लाइड विद ए नहीं है, दिस इज a प्लस है, am I right? Yes sir. So let me write, let me present it that way. So 1/2 माइनस 1/2, उसके बाद 1/2 प्लस 1/2, माइनस 1/2 माइनस 1/2, एंड आप समझ गए मेरी बात। So let me write certain thing. 0, 1/2 माइनस 1/2, हाँ जी 2/2 दैट इज 1, माइनस वन, आगे आएगा 1/2, 1/2, 1, 3 टाइम्स। आप सभी महानुभावों को ये चीज़ें क्लियर है? बोलिए बोलिए आगे, yes, आगे बताइए क्या आएगा, आगे क्या आएगा, कुछ तो बोल दो यार। 5/2 हाँ, अभी तो ऐड करना है, हाफ प्लस हाफ इज 1, देन अगेन हाफ इज 3/2, देन अगेन हाफ इज 5, एंड यू नो 2 भी आएगा ना, अभी 2 भी आएगा, yes, इसके पहले 2 भी आएगा। ये 3 बार ऐड करने पे, 4 बार ऐड करने पे 2 हो जाएगा, इज दैट ओके? हेलो, यस सर।
एक ही बच्चा यस सर कह रहा है, बाकी सबको क्या हो गया? जिसको बेचारे को डांट पड़ी वो तो गायब ही हो गया क्लास से, और करता भी क्या। यस ऋतिक जी, इज इट क्लियर? मिस्टर नकुल? यस। आस्था? यस सर। ये एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव बहुत खतरनाक है भैया। देखिए मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि आपको मतलब ये लगे कि सब कुछ करके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अक्सर ऐसे ही होता है बच्चों के साथ। अब जरा यहाँ आ जाओ। रियली डेंजरस बट क्लासिक। ये स्टूडेंट्स अगर आप रिकॉल कर सकें तो, एडिटिव ग्रुप है या मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है? आंसर दीजिए। एडिटिव है, एडिटिव ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप है। अगर मेरे को ब्रैकेट लिखना पड़ जाए तो मैं पावर्स ऑफ ए लिखूंगा या मल्टीपल्स ऑफ ए लिखूंगा? प्लीज आंसर। मल्टीपल्स ऑफ ए एंड हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। 0 ए 2 ए 3 ए 4 ए माइनस ए माइनस 2 ए माइनस 3 ए माइनस 4 ए। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ओके यस सर। जरा ब्रैकेट 2 बता दो ऐसे क्या होगा। मल्टीपल्स ऑफ 2 0 2 माइनस, अभी इसलिए हाफ का इसलिए निकलवाया था। 4 माइनस 4 8 6 माइनस 6 8 माइनस 8 तो बस खत्म। देखिए जरा सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। वी नो दैट। हाँ हाँ हम तो बचपन से जानते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ब्रैकेट ए हैपेंस टू बी एन ए वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। इतना क्यों लिख दिया सर? क्या करें भाई, आदत से मजबूर है। So, in particular, what is bracket of 2? नहीं, bracket of 1. फटाफट से बताइए bracket of 1. एक ही जगह 1. बोलो भैया, बोलो कुछ। 1 minus 1, 2 minus 2. 0, 1 minus 1, 2 minus 2, 3 minus 3, 4 minus 4, 5 minus 5. हाँ जी, क्या ये z के बराबर नहीं है? हाँ? Yes, sir. तो भैया ये तो साइक्लिक हो गया। अच्छा जरा इसकी शक्ल देख के, इसकी क्या शक्ल देखोगे? Z की शक्ल देख के बताओ, Z फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? इंटीजर्स फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। सो दिस बिकम्स एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। वाओ, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास कितने जनरेटर्स होते हैं? पीछा नहीं छूटेगा बेटा। दो। तो कौन से दो? अगर एक ए है तो दूसरा उसका इनवर्स होगा। तो एक इसका वन आ गया तो दूसरा एडिटिव इनवर्स ऑफ वन। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ वन? हाँ पता ही नहीं है, कुछ गधे कहेंगे सबके तो। Z plus is an infinite cyclic group. And ये पहले वाला तो कर लिया आपने, उसके बाद पूछ रहे हैं find all the generators. तो all the generators वाला आप लिख देते हैं। Step 2 कह सकते हैं। स्टेप वन ये आपके सामने है ही। स्टेप टू सेंस एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज एग्जैक्टली टू जनरेटर। सो इन पर्टिकुलर देयरफॉर इन जेड प्लस दो ओनली जनरेटर्स आर। कौन कौन से होने चाहिए? एक ए तो उसका इनवर्स वन एन। भाई क्लियर हो गया? माइनस वन। क्लियर हो गया तो कर लीजिए कॉपी। करिए करिए, लिखिए आपकी बुक का क्वेश्चन है।
डेल्टा एक ही बच्चा लगता है लिख रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? डन ओके अब भाई मैंने ये सब क्यों बताया आप लोगों को, प्लीज कल वाली क्लास और आज की क्लास देखो। ऑल ऑफ यू, साइक्लिक ग्रुप दो तरह के होते हैं, इनफाइनाइट साइक्लिक, फाइनाइट साइक्लिक। फाइनाइट साइक्लिक पे हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, एक तो कल थ्योरम कराई दी थी आपको, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, और आज नंबर ऑफ जनरेटर्स भी आपने देख लिया और निकाल भी लिया। और इनफाइनाइट साइक्लिक के लिए एग्जैक्टली टू, हाँ जी, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, Z2, Z3, Z4, Z5, हर ऑर्डर का फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आपके पास मौजूद है। और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप Z प्लस अभी तो करा है, Z प्लस, इज दैट ओके? यस सर, तो दोनों यस सर, दोनों ग्रुप्स या दोनों तरह के फाइनाइट साइक्लिक और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स हमने कर लिए। चलिए जी नेक्स्ट थिंग, भैया दो तीन क्वेश्चन बुक के कराते हैं, आइए। पेन उठाओ और शुरू हो जाओ। खबरदार किसी ने गलती की तो गलती नहीं करेंगे अब, करिए। देखिए गलती ना कर, मतलब बताने के डर से कहीं बोलना मत छोड़ देना। आर यू पीपल ट्राइंग? यस हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, करो। आई नो वेरी वेल आपकी गाड़ी रुकी हुई है, आइए थोड़ा उसमें डीजल पेट्रोल सीएनजी और सम अदर काइंड ऑफ फ्यूल डालते हैं आगे तो। इलेक्ट्रिक फ्यूल। अच्छा एक ये कौन सा ईवी सर, ईवी सेगमेंट। आइए ज़रा, सपोज ब्रैकेट है भैया, आप ऐसे कर सकते हैं कि ब्रैकेट एक जगह जी लिख दिया, ये हो जाना चाहिए था आराम से, ऐसी परेशानी तो नहीं आएगी। देखिए मैं पहले वाला पार्ट करा रहा हूँ, लेट जी इज इक्वल ब्रैकेट है, हाँ जी, दिस इज अ फाइनाइट साइक्लिक, इसका ऑर्डर कितना है? एट, एट। तो अभी समझाया तो था, कमाल करते हो यार तुम। यार तुम ना बस, आप सब लोग पता नहीं कैसे काम करते हैं,
आपको कभी किसी ने ढंग से पढ़ना नहीं सिखाया, इतने सारे क्वेश्चंस कराने के बाद भी ये हाल है आप लोगों का। ये कब कब को प्राइम है, यहाँ को प्राइम है, यहाँ को प्राइम है, यहाँ को प्राइम है, यहाँ को, जहाँ आंसर आना है। कमाल कर रहे हो तुम भी यार। मैं चाह रहा हूँ कि थ्योरम आपको याद हो जाए अच्छे से, आप सीखने को तैयार नहीं। जैसे प्राइस एम्प्लाइज ए पावर वन इज अ जनरेटर, बार बार ये चीज़ बताई जा रही है फिर भी नहीं हो रहा। दिमाग में क्या बैठा हुआ है? सिलेबस 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 की माला जपते रहिए। बताइए फिर भी नहीं हो रहा क्वेश्चन तुमसे। कॉपी करिए फटाफट, यही काम बी और सी के साथ करिए। मुझे आंसर चाहिए भाई, ठीक है ना? सुनोगे सारे के सारे, आंसर निकाल के दो भैया, ऐसे नहीं होती पढ़ाई। मूव फास्ट ऑल ऑफ यू। जी के पास चार जनरेटर्स हैं, या ब्रैकेट ए के पास चार जनरेटर्स हैं। अब बी के लिए निकालिए और सी के लिए निकालिए, फटाफट कीजिए। सर हाँ जी, यहाँ पे ऑर्डर सिक्स नहीं होना चाहिए। जब सारी कहानी हो गई तब बोल रहे हो, ये लो अब ठीक है। हाँ ठीक है, ये थोड़ा ना चेंज करूँगा यार, थोड़ा हैव सम सेंस। यस सर। फटाफट हाथ चलाइए ऑल ऑफ यू, प्लीज प्लीज बी फास्ट। मुझे ए ब्रैकेट ए हो गया, ब्रैकेट बी और ब्रैकेट सी का आंसर दो। एंड ये दिस इज रियली हार्ट ब्रेकिंग, इतना सब कुछ बार 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 कराने के बाद भी बच्चे का बहुत बुरा हाल है। कल भी वो सब बताया आपको, जाते जाते मैंने 10 का एग्जाम्पल दिया था, आज भी पूरी क्लास उसी पे दी जा रही है, फिर भी अंदर से कुछ निकल ही नहीं रहा। No answer, nothing. Sir, B star, two generators, A1 and A5, 1, 2, 6, 3, 4, 5, 6 and 6, 6. इसमें 1 आएगा यहाँ और यहाँ, बाकी कहीं वन नहीं आएगा। तो दिस इम्प्लाइज बी पावर वन इज अ जनरेटर, दिस इम्प्लाइज बी पावर फाइव इज अ जनरेटर, इज दैट ओके? यस सर। लास्ट इसमें 8 जनरेटर्स आएंगे। यस, लास्ट वाले का ऑर्डर 20 है। आइए जरा देखें,
20 मार्क खाए हैं या 30 मार्क खाए हैं, क्या हैं हम? आओ भाई, 1,21 है। बस कोपरा ही में लिखते हैं, पूरा लिस्ट तो नहीं बन पाएगा, लेकिन कुछ नलायक लोग अभी भी पूरी लिस्ट ही बना रहे हैं। बनाते रहो, खूब लिस्ट बनाओ, सीखना मत कुछ भी। यही आएंगे? हाँ हाँ जी, यस सर, यस सर। ये सी पावर 1 इज अ जनरेटर, यस। सी पावर 3 इज अ जनरेटर, सी पावर 7 इज अ जनरेटर, सी पावर 9 इज अ जनरेटर, सी पावर 11 इज अ जनरेटर, सी पावर 13 इज अ जनरेटर, सी पावर 17 इज अ जनरेटर, सी पावर 19 इज अ जनरेटर। इफ़ यू गो फर्दर प्लीज, अगर उन्होंने थोड़ी समझदारी दिखानी है तो आपसे ये बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स बताइए। तो ब्रैकेट ए के लिए, क्योंकि 8 ऑर्डर है, तो 5, 8 टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स। ब्रैकेट बी के लिए, क्योंकि ऑर्डर 6 है, तो 5, 6 टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स। तो ब्रैकेट सी के लिए 520, इज दैट ओके? हेलो, यस सर, 5, 8 तो 4 ही होता है, 5, 6, 2 होता है, 5, 28 होता है, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। 520 इज 5 ऑफ 4 इंटू 5, ठीक है ना? अब सेपरेट करके निकाल लीजिए, बल्कि लिख ही यस लीजिए। सर, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, 8 आ गया। हाँ जी सर, और ये दिख रहे हैं, ये रहे वो 8 एलिमेंट्स। ये है अगर टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछा है, वो एग्जैक्टली क्या क्या जनरेटर्स हैं वो निकाले। रेडी फॉर नेक्स्ट? यस सर, यस सर। ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। नहीं, फाइंड नंबर ऑफ जनरेटर्स नहीं, अब आपको एग्जैक्टली जनरेटर बताना है, तो मैं बता ही देता हूँ। अभी भी आपने वही 8, 6 और 20 वाले किया था, लेकिन अब आपके सामने ग्रुप आ गए। जैसे एग्जांपल के लिए फॉर Z8 लिखना है आपको। हाँ जी, Z8, जरा लास्ट क्लासेस याद करिए। आपके सामने जी ब्रैकेट ए था, इसका ऑर्डर अगर एन है तो आपने ये देखना है कि भाई ए एम जनरेटर बनेगा या नहीं बनेगा। ए एम जनरेटर कब बनेगा? जब एम और एन आपस में कोप्राइम होंगे। इज दैट ओके? बार बार बताया था यस ये, मैं आपको बार बार अगेन एंड अगेन समझा रहा हूँ। अच्छा, ये क्या लिखा है, जरा पढ़िए क्या लिखा है, जरा पढ़ के बताओ ना। एम मल्टीप्लिकेशन में पावर और एडिशन में, एन हो जाएगा सर, एम ए तो दिस इज ए डॉट ए एम टाइम्स, दिस इज ए प्लस ए हाउ मेनी टाइम्स? एम टाइम, इज दैट क्लियर? अभी कराते हैं आपको। जैसे Z8, यस सर, Z8 के लिए आइए। Z8 तो ब्रैकेट वन होता है भैया। हाँ जी सर, बिल्कुल होता है। तो इसको अगर मैं ब्रैकेट ए बुलाऊँ, ब्रैकेट ए बुलाऊँ, तो ए पावर एम, यानी एम ए, एम ए, एम ए, एम ए, एम ए, तो एम ए कब होगा जनरेटर, बस ये देखना है आपको। सुनाओ, आइए आइए, भाग कर रहे हैं। 1,8 अंदर डाले बिना नहीं छोड़ूंगा भाई, मेरे को भी इतने दिनों का प्रैक्टिस है। 5,8, रोके, 7,8, दिस इम्प्लाइज ए पावर 1, अब तक ये लिखते थे ए पावर 3, ए पावर 5, ए पावर 7, लेकिन अब एडिशन में क्या? हाँ, थैंक यू वेरी मच, लिख लो, क्या ए कोई आफत थोड़ी ना आ रही है। 1A इज अ जनरेटर, थ्री इज अ जनरेटर, दिस फाइव इज अ इम्प्लाइज थ्री ए इज अ जनरेटर, जनरेटर, 5A इज अ जनरेटर, 7A इज अ जनरेटर। व्हाट इज 1A? 1। व्हाट इज 3A? 3। अरे भैया, लिखने का तरीका समझ गए? अब ये ना समझना यस कि सर, इन सब मैं सेपरेटली कराऊंगा मैं। ये हो गया आपका, कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। ओके सर,
Let me know if it's complete. Sir. Done, sir. सारा सेपरेट करके लिख लीजिएगा, 8 के Z8 के लिए, Z20 के लिए, सबके लिए. ओके, नेक्स्ट थिंग. एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम आने वाला है, रियली नाइस प्रॉब्लम. तैयार हो जाइए कमर कस के. करी करी कोई बात नहीं, करी. हेलो, आर यू देयर? यस. देखिए पहले वाले कराते हैं. आप लोग कॉपी तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, आजकल उसी में. ए पावर 12 इज ई, फटाफट आइए. अगर ए का 12th पावर ही है तो ऑर्डर ऑफ ए 12 होगा या डिवाइड करेगा, याद करो भाई. डिवाइड कर, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स 12, व्हिच इंप्लाइज. यस, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है ना. 1 2 3 खत्म. ओ टेक लिखिए लिखिए, पहला हो गया.
जी सेकंड वाले के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है सर, कुछ नहीं है तो काम कैसे चलेगा? हाँ कैसे काम चलेगा? ए पावर एम इज आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ एम या डिवाइड्स एम? बस यही आंसर है इसका सेकंड वाले का। लास्ट वाला ट्राई कीजिए, फाइनल लास्ट ट्राई कीजिए, बहुत गजब है भाई। कुछ आ जाए तो बता देना। आओ देखो भाई, एक मैं आपको छोटा सा रूल दे रहा हूँ, हम इसका प्रूफ बाद में करेंगे, टेक इट एज अ रूल। क्या रूल है? हेलो आर यू लिसनिंग? यस। इफ ए इज एनी ग्रुप एलिमेंट, ए कोई भी ग्रुप एलिमेंट है, फाइनाइट ग्रुप, देन this happens. कहीं लिख लीजिए इसको as in review. A के power में क्या लिखा है? order of the group is identity. ऐसा होता है सर। कैसे होता है भाई? कैसे होता है आपको कराएंगे जब आपको Lagrange's theorem बताएंगे। Lagrange's theorem आपके syllabus में, आज नहीं तो कल करेंगे। statement बढ़िया, क्या समझ में आया भाई यहाँ से? हाँ वही पुरानी आदत, नॉवेल जिंदाबाद। अगर ए इसका मेंबर है और बी इसका मेंबर है तो क्या होगा? ए बिलोंग्स टू जी सिंपली मींस। हेलो आर यू लिसनिंग? यस यस। एंड जी बी बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज बी रेज टू पावर में ऑर्डर ऑफ एच। प्लीज वेट वेट वेट, बताने के लिए तड़प रहे हैं। देखिए इसका आंसर भी आइडेंटिटी है, इसका आंसर भी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑफ द अंडरलाइंग ग्रुप। मतलब ये होना चाहिए आइडेंटिटी ऑफ जी, याद रखना इसका। तो ये होना चाहिए किसका आइडेंटिटी, जिस ग्रुप का मेंबर है किसका? अरे बोल तो दो यार, ध्यान रखना भैया आपके सामने जो कुछ लिखा है। ओके अब प्रेजेंट में आते हैं और बस स्टेटमेंट लिख लिया आप लोगों ने? यस। कोई ऐसा तो नहीं था जिसने नहीं लिखा? दोबारा प्रोड्यूस हो जाएगा। यस आस्था डन, ऋतिक डन, नकुल डन, यस सर डन। क्या स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट समझा आपने? अगर किसी ग्रुप में ए है, बी है, सी है, डी है, ई जो भी है व्हाटएवर, तो उस एलिमेंट का पावर रेस टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ए पावर ऑर्डर ऑफ जी, बी पावर ऑर्डर ऑफ जी, सी पावर ऑर्डर ऑफ जी, हमेशा हमेशा आइडेंटिटी आएगी। तो वही चीज़ यहाँ लगाते हैं। तो देखिए कमाल का प्रूफ आपके पास आने वाला है, कमाल का प्रूफ। यस नोट, तीसरा वाला पार्ट आपसे नहीं हो रहा था, कोई बात नहीं, क्या परेशानी। हाँ जी ये ग्रुप का मेंबर है, हाँ सर बिल्कुल है। अभी क्या बताया था? पता नहीं सर, हमें हमारा काम तो खाली नोट करना है। ये बताया था या नहीं बताया था? यस। ए पावर ऑर्डर ऑफ जी इज आइडेंटिटी, दिस इंप्लाइज ए रेज टू पावर, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ जी भाई? कितना है भाई बोलो कुछ? 24। आगे बताइए क्या मिलेगा यहाँ से? ऑर्डर ऑफ ए 24 या डिवाइड्स 24? हे ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स 24। अब मैं वेरियस पॉसिबल केसेस आपके सामने लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से भाई, दिस इज रियली क्लासिक, तो गजब ही है ये तो। हाँ जी, सो कंसिडर द वेरियस पॉसिबिलिटीज। ऑल पॉसिबिलिटीज, जी पहला ऑर्डर 24 को क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं आपके लिए लिख देते हैं भाई। या तो ऑर्डर ऑफ वन होगा, थोड़ा हाथ बटाएं हमारा भी। 1 2 3 4 6 8 12 सब लिखा जा रहा है। जी
ऑर्डर ऑफ ए वन, आंखें खोल के रखना ठीक है, तो डांट पड़ेगी ना ऐसी, याद रखूंगे हमेशा। और लास्ट ये ठीक है? Yes, अब एक एक करके आइए। हाँ जी महानुभावों, अगर ऑर्डर ऑफ ए वन है तो ए का पहला पावर वन है, यानी ए आइडेंटिटी है, बोलिए यस। यस सर। अगर ए आइडेंटिटी है तो बेटा जी उसका आठवां पावर भी तो आइडेंटिटी होना चाहिए था, वो तो मना कर रहा है, तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। दैट मीन्स ए ऑर्डर ऑफ ए वन नहीं हो सकता। आया समझ में? यस सर। इट कांट बी वन। बढ़िया, आगे आइए। टू होता तो भैया ए का सेकंड पावर आइडेंटिटी, अगर किसी का सेकंड पावर आइडेंटिटी है तो फोर्थ पावर भी आइडेंटिटी है और आठवां पावर भी आइडेंटिटी है, मैं राइट? बोलो बोलो। यस। बट वो तो मना yes, कर रहा है। सो अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन। तो दो भी गया, ऐसे ही तीन से बारह पे पहुंचिए, सेंस लगाइए ना, ये दोनों चीजें दी हुई हैं। आप yes. आप खाली कॉपी करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? A power 12 is identity. Yes, is it? Contradiction. लो भाई, ऐसे ही चार से भी बारह पे पहुंच जाए, चार से तो आठ पे भी पहुंच सकते हैं, बारह पे पहुंच सकते हैं। अगर A का fourth power identity होगा तो eighth power कितना होगा? Identity. But वो contradiction. Thank you. Sixth identity है, sixth power. तो twelfth power कितना होगा? Identity. But मना कर दिए। एर्थ पावर आइडेंटिटी, एर्थ तो हो ही नहीं सकता है ना, मना कर रहे हैं वो तो। अरे समझे, और बारह के लिए मना कर दिया तो क्या क्या बता भैया? ओनली पॉसिबिलिटी इज, बताइए 24 भाई। आप सब लोग जरा बता दो, चार छ आठ बारह के लिए लिख लोगे या मैं लिखवाऊं? लिख लेंगे तो आइए जरा ना, अभी चीजें खत्म थोड़ी ना हुई है, इसके बाद देखिए। Therefore, order of A is 24. नीज़र आंखें खोल के रखना। That is, order of element is order of group. Am I right? Yes, sir. That is, order of bracket A equal to order of G. लीजिए खत्म हो गया। खत्म। That is G is equal to bracket A. ये argument आपको समझ में आ गया? भाई set को set, yes. set की तरह तो लिखा। Yes, sir. तो भाई ये तो कमाल की चीज़ थी, इसको प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा ज़्यादा अगर आप जोश में तो यहाँ लिख दीजिएगा डू योर सेल्फ, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, हाँ कितना अच्छा सॉल्यूशन, डू योर सेल्फ। लिखना है एक लाइन ही। हेलो आर यू लिसनिंग? यस सर। नेक्स्ट, आगे बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा सब ग्रुप्स पे मैं करा देता हूँ आपको काम। देखो भाई, मैंने कुछ सब ग्रुप्स की एप्लीकेशंस बताई थी आपको, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एस एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन पहला एच इंटरसेक्शन के, दूसरा H यूनियन के, और तीसरा द प्रोडक्ट एच के। इसमें से क्या सब ग्रुप होगा और क्या नहीं होगा आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो आइए पहले H इंटरसेक्शन के पे बात करते हैं, फटाफट से आ जाइए जी। ये मैंने प्रूफ तो नहीं कराया ना, कराया है या नहीं कराया? नो सर। तो मैं H इंटरसेक्शन के का प्रूफ करा रहे हैं आपको। तो स्टेप वन स्टेप टू, क्लोजर इन एच इंटरसेक्शन के। अगर आपने ए बी लिया एच इंटरसेक्शन के में, भैया इस ए कॉमा बी को एक ही एलिमेंट मानिए या जो भी लिखा है वो इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में होने की वजह से दोनों में होगा। तो दिस इम्प्लाइज जो भी वट एवर द थिंग इज, यही होता है ना इंटरसेक्शन का मतलब। बट ये दोनों इंडिविजुअली तो सब ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप है तो क्लोजर नहीं कैरी करेगा भाई, कैसे नहीं करेगा भाई, डेफिनेटली करेगा। So this implies A B belongs to H intersection K. Argument सबको समझ में आ गया? बोलिए बोलिए। Yes sir.
ये टू स्टेप टेस्ट से भी कर सकते हैं, और अगर वन स्टेप टेस्ट से करना है तो एक ही बार में हो जाएगा, कोई बात नहीं। स्टेप नंबर टू थोड़ा लिख ही लो, थोड़ा सा लिख लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी, इनवर्स। अगर ए बिलोंग कर रहा है एच इंटरसेक्शन के में, दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग कर रहा है एच में एंड ए बिलोंग कर रहा है के में, बट ये दोनों तो सब ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स है तो इनवर्स कैरी करेगा, करना चाहिए। ए इनवर्स किस किस में, आप में और मुझ में। अब तो 5 बजे के बाद तो ऐसी आवाजें आएंगी। हाँ बेटा जी, आर्गुमेंट समझ में आ गया? हेलो, यस यहाँ से यहाँ नथिंग, यहाँ से यहाँ सेंस बोथ एच एन के आर सब ग्रुप्स, यहाँ से यहाँ नथिंग, यहाँ से यहाँ इनवर्स कैसे आया, सेंस एच एन के आर सब ग्रुप्स। आप लोगों के लिए खुशखबरी, एच इंटरसेक्शन के इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ द इंटरसेक्शन, लिख लो कहीं अच्छे से शब्दों में, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ऑलवेज अ सब ग्रुप, लिख लिया, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ऑलवेज अ सब ग्रुप। हेलो, यस सर, यस कॉपी कौन करेगा, कॉपी करिए फटाफट। डन अब यूनियन पे आ रहे हैं। देखिए भाई, यूनियन नहीं होता सब ग्रुप, शुरू करने से पहले ही बोल दिया। हाँ जी, शुरू करने से पहले ही बोल दिया, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट बी अ सब ग्रुप। एग्जांपल देखो फटाफट, लेट जी इज इक्वल टू, अच्छा ये बताइए क्या हम ये क्लास में कर चुके हैं, टू जेड इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस, कराया आपको? च्यवनप्राश खा लिया करो, थोड़ा याद आ जाएगा। यस सर, पक्का बताइए किया या नहीं किया? अगर याद नहीं है तो बोल सकते हैं याद नहीं है, या वैसे मेरे जहाँ तक मुझे ख्याल है मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज़, फिर भी करा देते हैं आप लोग। आप लोग तो सब ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, कुछ कुछ याद ही नहीं रहता तुम लोगों को, देखो जरा यहाँ, वेरी बैड। ये आपका जेड प्लस है, इसमें टू जेड है, इसमें 3z है, इसी में nz भी है, तो 2z सब ग्रुप होगा, ऐसे 3z 4z 5z क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, शो दैट nz इज अ सब ग्रुप ऑफ z प्लस। हाँ जी, सॉल्यूशन पहला स्टेप, दूसरा स्टेप जो भी आपको अच्छा लगता है, क्लोजर, है
आई होप आप लोग हमारे साथ हैं। अगर एक्स वाई एंड जेड में है, मैं ये करा चुका हूँ भाई, मुझे तो याद है, आप लोग को याद नहीं है। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है टू जेड में, देखिए टू के लिए कराया था, तो एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ टू, ऐसे कैसे हो सकते हैं, वाई इज अ मल्टीपल ऑफ टू, व्हाट इज एक्स प्लस वाई, हाँ जी बताएंगे एक्स प्लस वाई, नहीं सर हम कुछ नहीं बताएंगे, मत बताओ भाई, ये आएगा, हेलो यस Is it again a multiple of two? अब हाँ भी नहीं बोलोगे क्या? Yes. तो जरा n के लिए बता देते हैं अब। हाँ जी nz के लिए देखिए। Therefore x takes the form nk1, y takes the form nk2, where k1 and k2 are integers. That is x y. ना 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 plus है ना, plus में तो x plus y होगा क्लोजर, x plus y is n k one plus n k two. Yes मेरी महान आत्माओं, is it again a multiple of n? Yes. तो ये तो क्लोजर आ गया, ऐसे इनवर्स कर लेते हैं। This implies x is of the form nk, where k belong कर रहा है z में। And then what about minus x? Additive inverse. Minus nk. That is n times minus k. Again, is it a multiple of n? क्या कुछ बोलोगे या नहीं बोलोगे? ये closure हो गया, वो inverse हो गया, और जरा ये दोनों चीजें देख के बताइए, इन दोनों से आपको क्या पता लगा? बाप रे बाप, यहाँ तो आफत आने वाली है। क्या बात कर रहे हैं सर, मैं कह रहा हूँ आफत आने वाली है। जरा आप सभी अपने श्रीमुख से n का वैल्यू अलग अलग लेके मंत्रोच्चार करना शुरू कीजिए भाई, बोलना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा शर्माओ मत। जब आपने n का वैल्यू वन लिया, अरे भैया कुछ तो शर्म करो, n का वैल्यू वन लेंगे तो क्या मिलेगा, टू लेंगे तो क्या मिलेगा, थ्री लेंगे तो क्या मिलेगा, अब क्या खाली कॉपी करने ही आते हैं क्लास में? हाँ हेलो ऋतिक नकुल पंचुल आस्था, आर यू लिसनिंग? यस सर। बोलते क्यों नहीं आप लोग? हाँ n को 1 लेंगे तो z आएगा, n को 2 लेंगे तो क्या आएगा, 3 लेंगे तो क्या आएगा, 2z आ गया, 3z आ गया, इसी तरीके से 4z आएगा, 5z आएगा। जरा पिक्चर देख के बताइए, z प्लस के पास कितने सब ग्रुप्स हैं, टेल मी How many subgroups Z plus has? How many subgroups Z plus three. has? ए भगवान, अरे आगे 7Z भी आना है, क्या क्या चाहते हो तुम? आगे 9Z भी आएगा, 11Z भी आएगा, 10 सब कुछ तो आएगा। 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z, there is no stopping. सर यहाँ पे 4Z नहीं लिखा आपने तो हम बोलेंगे भी नहीं, 6Z नहीं लिखा हम बोलेंगे भी नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। How many subgroups, all of you? Infinite. 2z contains all multiples of 2. इसमें आएगा 2, 4, 6, 8 plus minus. इसमें आएगा 3, 6, 9 plus minus. इसमें 5, 10, 15 plus minus. ध्यान रखिएगा, 0 तो बैठे ही identity की तरह. तो z plus has infinitely many subgroups. हम इस पे बात कर रहे थे, इधर आ जाइए. ये आपके एग्जाम में आएगा भाई, सेकंड पार्ट. फटाफट से देखेंगे. Union subgroup होता है या नहीं होता? Please see. Let g is equal to z plus, h is equal to 2z. अब मना तो करना मत, नहीं से डांट सुनोगे. k is equal to 3z. And therefore, h is a subgroup of g and k is a subgroup of g. किसी को इसमें शंका दुविधा तो नहीं है कि दोनों subgroup बनेंगे? बोले बोले, मना कर दीजिए. अभी अभी तो कराया था. Say yes, कराया है या नहीं कराया है? अभी nz के लिए किया तो इनके लिए भी हो जाएगा, बट हाँ बहुत बढ़िया. h यूनियन k भाई साहब सब ग्रुप नहीं है, क्यों नहीं है वो सुनो जरा, क्यों नहीं है? रीजन, रीजन के अंदर रीजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, h कंटेन्स ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी 2h में है, 2H में है, yes, जो H में है वो H यूनियन K में भी है, अच्छा जी, इसी तरीके से 3K में, 3K में,
तो थ्री एच यूनियन के में भी है, टू इसमें है, थ्री इसमें है, वेयर एज वॉट अबाउट टू प्लस थ्री, फाइव, फाइव तो एच यूनियन के में है ही नहीं। सर ये क्या लिख दिया सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर अभी एक मिनट में समझ में आएगा, प्लीज वेट ऑल। ये प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन है, जरा साथ आ जाइए। देखिए आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ी सी सेंस लगाएंगे तो। एच को लिया आपने टू जेड, के को लिया आपने थ्री जेड, तो एच यूनियन के में क्या होगा पहले ये तो देख लो। एच में क्या होगा, जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स प्लस माइनस एट। हाँ जी, दिस विल कंटेन जीरो प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस सिक्स प्लस माइनस नाइन प्लस माइनस ट्वेल्व। आप बताइए ऐड नहीं हो रहे हैं ये, अगर एक सेट है आपके पास दूसरा सेट है, जैसे स्कूल में करते थे कैपिटल ए सेट लिया कैपिटल बी सेट लिया, तो जब आप ए यूनियन बी लिखते थे तो उनके एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स कलेक्ट करके लिखते थे ना, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके थोड़े ना लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ए के पास ए वन ए टू ए थ्री है, बी के पास बी वन बी टू बी थ्री है, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए वन होगा बी वन होगा ए टू होगा बी टू होगा ए थ्री होगा, बस एलिमेंट्स ही आएंगे ना। हेलो यस, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट थोड़े ना हो जाएंगे। अब जरा इधर आओ, एच कंटेन्स मल्टीपल्स ऑफ टू, के कंटेन्स मल्टीपल्स ऑफ थ्री। आप बताइए एच यूनियन के में, एच यूनियन के में भी वही चीज आएंगी, तो क्या एच यूनियन के में पांच आएगा फाइव आएगा, जल्दी बताओ भाई। फाइव कहाँ से आएगा सर, फाइव तो आ ही नहीं सकता, ऐड थोड़े ना करके लिखना है। हाँ जी, आपको बात समझ में आ गई? यस, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, चेंजेस कर रहा हूँ। हाँ जी, 5z यानी मल्टीपल्स ऑफ 5, 7z यानी मल्टीपल्स ऑफ 7, तो सारे मल्टीपल 5 को उठा लीजिए, सारे मल्टीपल 7 को उठा लीजिए, क्या इसके पास 12 वैल्यू का एलिमेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं भाई, ये चीज नहीं हो समझने वाली है ना। तो लीजिए हो गया खत्म प्रूफ। देखो यहाँ इट्स लाइक एच है आपके पास, सब ग्रुप है, के आपके, मैं अलग अलग सेपरेट करके बना रहा हूँ, ये आपका एच यूनियन के, जी एच कंटेन्स जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर, के कंटेन्स जीरो प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस सिक्स। एच यूनियन के में फाइव तो नहीं आएगा भैया, अरे कुछ तो बोल दो। नहीं आए तो जिसके पास एडिटिव क्लोजर ही नहीं है, मतलब जिस सेट के पास क्लोजर ही नहीं होगा, सब ग्रुप कैसे बनेगा बेचारा। आर्गुमेंट क्लियर हो गया? यस। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लियर है आप लोगों को? देख लीजिए, ये आस्था, ऋतिक, नकुल, पंचुल डिप्रेशन के शिकार हो गए आप सब लोग लगता है। इज इट क्लियर? नो सर, क्लियर नहीं है। क्लियर है, मतलब आपने जो बोला डिप्रेशन के तो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी सुनो भाई, ये क्या चीज आपको बताई गई है, yes give example to show that the union of two subgroups need not be a subgroup, is that okay? ye hamesha aata hai exam mein, give example to show that union of two subgroups need not be a subgroup, here example, clear hai? yes just wait for a second, idhar aa jaiye। haan ji, union in general subgroup nahi hai, kabhi to hoga, kab hoga to uska statement sun lijiye, proof wagera baad mein karenge। yes H union K is a subgroup of G, क्या आपके कॉलेज में इसका प्रूफ कराया है? अच्छा अच्छा, आप तो कॉलेज जाते ही नहीं, ये भी मैंने क्या पूछ लिया। भाई देखो ये मेरे को बता देना अगर आपके कॉलेज में इसका प्रूफ हुआ है। सर यू आर ऑन कैमरा, रिकॉर्ड हो जाएगा, क्या करें भाई रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अगर आपके कॉलेज में इस स्टेटमेंट का प्रूफ किया गया है तो हम भी क्लास में करेंगे, नहीं किया तो कोई बात नहीं, स्टेटमेंट से तो काम चला ही लीजिए। अभी आप लोगों को नोटिस करना चाहिए कि इन जनरल यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट बी अ सब ग्रुप, तो कब होगा ये सब ग्रुप? तभी बनेगा यूनियन जब या तो पहला दूसरे में कंटेंट हो या दूसरा पहले में कंटेंट, ठीक है? क्या नहीं करवाया, ये नहीं करवाया एग्जाम्पल, ये भी नहीं करवाया, ये तो तुम्हारे, ये तुम्हारे टेस्ट में आया था, तुम तो बता रहे थे कल Union of two subgroups need not be a subgroup, बताया था ना तुमने कि हमारे टेस्ट में आया था। ऐसा मैंने बताया था। मना कैसे कर रहे हो फिर? मैंने नहीं किया सर, मैंने कब मना किया? अच्छा अच्छा, ओके, मतलब ये तो वही हो गया, कहे कोई और सुने कोई, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है ना, ऑनलाइन का फायदा।
इसको कर लीजिएगा, ये आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्या चीज का एग्जांपल है? यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट बी सब ग्रुप. चलो भाई आज बहुत हैवी हो गया, बाय बाय, अब ऐसे डिप्रेशन में चले जाएंगे. ओके सर, थैंक यू, वेलकम. जी आप बाकी बच्चों को समझ में आ गया? यस पूरा पूरा करके आएगा. यस आस्था आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे.